हाय गाइस, गुरु गेमिंग के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं ग्रुप के लिए नया संडे क्यू एन ए लेकर हाजिर हूं गाइस। तो भाई यहां पे फाइनली आ चुका है। तो यहां पे लास्ट क्यू एन ए में बहुत ही कम क्वेश्चन थे, अब मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं थे। तो गाइस अब थोड़े क्वेश्चन पूछा करो, बहुत ही कम लोग क्वेश्चन पूछते हैं एंड बाकी की चीज़ें बहुत पूछते रहते हैं जो रेगुलर वीडियो में पूछनी चाहिए। ये जो संडे क्यू एन ए होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछो आप लोग हैशटैग आस्क गुरु करके वहाँ पे, और हैशटैग आस्क गुरु रखना तो फिर मैं आपका क्वेश्चन सिलेक्ट करूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे विथाउट हैशटैग आस्क गुरु वाले सिलेक्ट करने पड़े, बिकॉज क्वेश्चन थे ही नहीं, बहुत कम थे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है योर फेवरेट टीवी शो, तो भाई वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। योर फेवरेट स्टेट्स, तो वो भाई स्टेट्स कोई मेरा फेवरेट नहीं, मेरी पूरी कंट्री फेवरेट है इंडिया। उसके बाद योर फेवरेट मूवी, तो भाई वो तो बहुत सारी है, मैंने एक दो क्यों ने पहले बताया हुआ था। फेवरेट समोसा, लड्डू और बर्फी, तो भाई समोसा। भाई योर फेवरेट एक्टर, तो एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरिफ अहमद का हैशटैग आस्क गुरु, COC के बांग्लादेश फ्लैग देगा या नहीं देगा, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। तो बेसिकली देखो इस चीज़ पे ना मैंने बात की हुई है, मैंने पहले रेगुलर वीडियो में आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है। बट देख भाई उनको अगर रखना होगा ना तो रखेंगे, बट जहाँ तक मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई कुछ दिक्कत आती है गेम को, और ऐसा ही नहीं कि भाई बांग्लादेश का फ्लैग, और भी अदर बहुत सारी कंट्री है जिसके फ्लैग उन्होंने नहीं ऐड की है। ओके अब एक कंट्री नहीं, बहुत ही कम कंट्री के फ्लैग है, कम अप्रोक्सीमेटली समझ लो ना यार 30-40 समथिंग कंट्री है, बहुत ही कम कंट्री है। ओके अगर हम लोग देखे जाए 30-40 कंट्री तो कुछ नहीं कहलाती, इतनी सारी कंट्री है तो उसमें बहुत सारी मैक्सिमम कंट्री का नहीं है, ऐसा ही समझ लो, बहुत ही कम। तो अब उन्होंने बोला अगर हम लोग एक का ऐड करेंगे ना तो बाकी की सब क्लस्टर बोलेंगे, और सब कंट्री का ऐड करना वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं, कंडीशन होती है, तो वो इसीलिए, तो फिर वो लोग इसीलिए नहीं कर रहे फ्लैग ऐड, यही रीज़न है। अगर आप लोगों को पूरा पक्का एकदम रीज़न चाहिए इन डिटेल फुल तो फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना ओके कि भाई रीज़न क्या है वो। सो क्या आप लोग जितने भी हो बांग्लादेश के क्लैशर उनको पता चल जाए कि भाई ये रीज़न है। ओके सो उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रेयस टैग का, भाई व्हाई नॉट वी बाय सीजन पास विद जेम, व्हाई नॉट आस्क गुरु एंड लव यू फ्रॉम यूपी, लव यू टू ब्रदर। तो यहाँ पर मैं आपको इन डिटेल में समझाने जाने वाला हूँ। ओके तो ध्यान से समझना, ओके मैंने समझाया नहीं आई थिंक, ऊपर से समझाया होगा, अगर इनकेस अगर समझाया होगा तो ध्यान से सुन रहा। तो बेसिकली देखो सुपरसेल जब भी अपडेट देती है, सुपरसेल एक कंपनी है ओके, और वो कोई उन्होंने कोई वो सेवा केंद्र ओपन किया नहीं है कि जहाँ पे वो सेवा करेगी ओके। वो कंपनी है, उनको चाहिए प्रॉफिट, उनको चाहिए माल मनी ओके, तो उनके ऊपर ही कंपनी होती है। अब एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि क्लैश ऑफ क्लैन ना जितनी भी क्लैश ऑफ क्लैन नहीं सुपरसेल की जितनी भी गेम है उसमें जो अपडेट आती है ना, तो उसके पहला पॉइंट क्या होता है कि भाई गेम को फ्रेश रखने का, दूसरा पॉइंट गेम के प्लेयर को एक्टिव रहे इसीलिए, थर्ड पॉइंट गेम का प्रॉफिट बढ़े ओके। तो ये जो सीजन चैलेंज है वो उसके ऊपर ही है, गेम की प्रॉफिट बनाने के ऊपर, बिकॉज हर एक अपडेट के पीछे पैसे तो देखती ही है सुपरसेल। अब मान लो कि भाई यहाँ पे उन्होंने जो 400 रुपये है वो हटा के उन्होंने रख दिए 500 जेम्स, यस सेम प्राइस है ओके, 500 जेम भी इतने के ही मिलते हैं, और जो सीजन पास है वो भी इतने का ही मिलता है, तो भी इन्होंने 500 जेम क्यों नहीं रखे। देखो 500 जेम जितने भी बोल रहे हैं ना, वो लोग वही बोल रहे हैं जिनके पास फ्री के जेम से उन्होंने स्टोर किए हुए हैं ओके, फ्री के जेम से जो 2-3 साल तक यूज़ नहीं किए और स्टोर किए हुए, जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड की आईडी से जेम मारी थी पूरी सीजन चैलेंज, तो उसके पास 20,000 जेम से, तो वो 20,000 उसने बाय नहीं किया, उसने फ्री के स्टोर किए हुए हैं। तो वैसे लोग बोलेंगे ओके कि भाई 500 जेम्स से करो ओके, बट उसमें सुपरसेल को क्या फ़ायदा, क्योंकि वो जेम्स तो फ्री के स्टोर किए हुए हैं, उनको क्या फ़ायदा, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा। बट यहाँ पे $5 है तो सीधा $5 सुपरसेल के पॉकेट में जाएगा, सीधा $5 सुपरसेल की पॉकेट में जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए वो लोग 500 जेम्स नहीं रखेंगे बिकॉज, और मैं सुपरसेल के साथ थोड़ा सा एग्री करता हूँ, बिकॉज वो कंपनी है और उनको भाई वो कंपनी है प्रॉफिट देखेगी ओके। तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई क्या पैसे करती है, अगर आपकी भी कोई बिजनेस है, आपके पापा का भी बिजनेस है, तो आपका पापा भी कुछ ना कुछ ट्रिक लाते रहेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें अदर लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये तो प्रॉफिट के लिए ही करता रहता है बिजनेस में ये सब चीज़ें ओके।
क्योंकि हर एक बंदा अपनी बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी यूज करता ही है। तो सुपरसेल ने भी यही यूज की है सीजन पास में $5 की। ओके $5 कम है, यस स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं, बट जो रेगुलर मेरे जैसे प्लेयर है या फिर कोई अदर मेरे से भी बड़े है 25-30 साल के है, ओके तो उनके लिए ₹400 पर मंथ कुछ नहीं है। उतना तो पेट्रोल का खर्चा हो जाता होगा उनके बाइक में, खुद का व्हीकल हो तो उससे भी ज़्यादा। ओके तो ये स्टूडेंट्स के लिए यस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास इतने नहीं हो सकते पैसे, प्लस वो खुद का फ़ोन नहीं होता, खुद का बैंक अकाउंट नहीं होता, खुद का ATM कार्ड नहीं होता। सो ये है पूरी चीज़, आई होप आप समझ गए होंगे अब पूरी तरीके से। ओके उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संस्कार जैन का, टेक्निकल गुरुजी वर्सेस बीबी टोनी वर्सेस गैलोडन, टोनी एलन वॉकर और मास्मेलर, एलन वॉकर स्प्रिंग अपडेट और क्लाउड अपडेट, स्प्रिंग अपडेट बिकॉज क्लाउड अपडेट तो अभी तक आई नहीं है, माही और विराट माही। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम यूट्यूबर का हैशटैग आज गुरु, आपका सब कुछ मैच होने के बाद आप सीओसी के वीडियो बनाओगे ना, प्लीज़ वीडियो बनाते रहना नहीं तो मज़ा कैसे आएगा, और सीओसी खेलते रहना भाई मज़ा आएगा। भाई देखो मेरा मैक्स होगा उससे पहले नया टाउन हॉल आ जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बाकी है, 50% भी मैक्स नहीं हुआ अभी, 3-4 डिफेंस मैक्स है, 50% हो जाएगा बहुत जल्दी, नेक्स्ट मंथ इस मंथ में हो जाएगा 50% मैक्स मेरा। ओके बट 50% अभी भी बाकी है, तो उसमें टाइम लगेगा यार, तो उसकी टेंशन मत लो, मैक्स जल्दी नहीं होने वाला। इनकेस अगर मैक्स हो जाएगा तो वॉल्स तो बाकी है, वॉल्स दो दो लेवल बढ़ानी है, तो वो तो आराम से 6-8 मंथ ले लेगी वॉल्स। ओके आराम से, तो मेरा मैक्स नहीं होने वाला नेक्स्ट 1-1.5 साल तक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेशन आता है ऑल इन वन सो फन हैशटैग आज गुरु भाई ये सीजन। ओके तो यहाँ पे हम लोग आके बढ़ते हैं, ये फिर से मैंने अगेन क्वेश्चन ले लिया। ओके तो डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा उनका, ऑल इन वन सो फन हैशटैग आज गुरु भाई ये सीजन पास यानी गोल्ड पास ₹350 में एक बार परचेस करना पड़ेगा या फिर हर महीने? नहीं भाई ये हर महीने परचेस करना पड़ेगा, ये तो मेन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लोग ऐसा बोल रहे हैं या तो प्राइस कम करो या फिर सीजन का टाइम बढ़ा दो। ओके यहाँ पे लोग ऐसा बोल रहे हैं, अगर हर महीने का आपको करना है या फिर हर सीज़न का ऐसा करना है सुपरसेल को, तो या फिर प्राइस कम कर दो या फिर सीज़न का टाइम बढ़ा दो, एक महीना उससे जगह 1.5 या 2 महीना कर दो। तो यहाँ पे ये, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैलेंटेड गेमर का हैशटैग आज गुरु, आज कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि जब रहता है तब तुम क्वेश्चन पिक नहीं करते। अरे भाई एक्चुअली में क्या होता है, क्वेश्चन में सिलेक्ट करने जाता हूँ ना तो मेरे को लिमिटेड क्वेश्चन लेने होते हैं। ओके ऐसा नहीं कि बस जितने क्वेश्चन है सबके सब उठा लूँ मैं। ओके तो लिमिटेड क्वेश्चन लेने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मिस हो जाते हैं जो कि नीचे होते हैं क्वेश्चन। ओके ऊपर के मैं तैयार, अगर ऊपर मैं ले लेता हूँ कुछ क्वेश्चन 15-20 या फिर 25, ओके तो फिर उसके बाद नीचे के तो भाई मैं नहीं ले सकता बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, एक लिमिट में मेरे को वीडियो बनाना होता है ना इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन गेमर 56 का हैशटैग आज गुरु, फेस रिवील कब करोगे? तो भाई देखो फेस रिवील मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मेरा मुंबई का व्लॉग देखो। ओके जो क्लैश ऑफ क्लैन इंडिया ने मुझे इन्वाइट किया था उसके पहले फिर 1,00,000 सब्सक्राइबर वाला देखो, उसके पहले फिर 10,000 सब्सक्राइबर वाला देखो। तो मैंने फेस रिवील तो 3-4 बार किया है, तो फिर देख लीजिए आप, और फेस देखना ही है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, उसको भी _शिवम यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आ जाओ वहाँ पे भी आपको फेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा थ्रिल का हैशटैग आज गुरु भाई, भाई का आपको रूबी क्यूब सॉल्व करना आता है? मेरा कमेंट ले लेना, रूबी क्यूब सॉल्व करना मुझे नहीं आता, 0% नॉलेज है, या 0% और ना मैंने अभी तक मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने किया हुआ है एक भी सॉल्व। ओके बस हैं मैं 1-2 मिनट ऐसे घुमाता हूँ फिर रख देता हूँ, चलो भाई मूड आउट नहीं मज़ा आया, तो ऐसा है, तो मेरे को सॉल्व करना अभी तक नहीं आता, तो क्या बोलूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राहुल नंदी का हैशटैग आज गुरु भाई, क्लेन वर्ड बहुत हार्ड पड़ता है, कोई सॉल्यूशन दे दो? तो अगर देखो मिसमैच हो रहा है, ओके अगर मिसमैच होने के कारण आपको हार्ड पड़ रहा है तो फिर आप लोग लो TS लो एंड छोटी वॉर करो, बट अगर आपके लेवल के बंदे आ रहे हैं तो फिर स्किल इंप्रूव करो, सीधी बात है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूट्यूबर गेमर का हैशटैग आज गुली डंडा, क्वीनों के लिए कितने लेवल की क्वीन चाहिए? भाई मेरे पर्सपेक्टिव से देखेगा तो 25 के कम की क्वीन वॉक मत कर, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना 3-4 डिफेंस अगर उसको मारने लगेंगे लेवल 15 या 20 की क्वीन को, है ना, तो तेरे को रेज स्पेल डाल लेना पड़ेगा। ओके और उसके बाद फिर 4th या 5th डिफेंस ऐड होगा ना, तो रेज स्पेल में तेरे को एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी, तो क्वीन कोई काम की नहीं है, 25 की हो या फिर 25 की, कम से कम 25 की चाहिए, तो क्या 3-4 डिफेंस मारेंगे ना तो उसकी लाइफ कम नहीं होगी। ओके कम होगी तो बहुत धीरे धीरे से होगी, और आधी होगी ना तब तक तो वो जो 3-4 डिफेंस है ना उसमें से आधे डिफेंस तो डाउन हो जाएंगे, तो 25 की चाहिए ही चाहिए। तो ये था गाइस आज का संडे Q&A, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लास्ट वाले संडे Q&A में बहुत सारी कमेंट है कि 15-20 कमेंट,
बहुत साउंड कम था, तो फाइनली मैंने आज साउंड ज़्यादा लगाया। मैं वो साउंड इसीलिए कम कर रहा था बिकॉज उस टाइम मैंने बहुत दोपहर को वीडियो रिकॉर्ड किया था और मेरे घर में सब लोग सो रहे थे, तो मैं ज़ोर ज़ोर से वीडियो नहीं बना सकता था, इसीलिए मैंने धीरे धीरे से वीडियो बनाया था। ओके, बट अभी मैं अभी दोपहर में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मस्त खुल के बोल रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर पहली बार आ रहा होगा, बेल आइकन पर क्लिक करना भी भूलना मत। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह मुझके खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस। Hello!